1861 में अलगाव के मुद्दे पर गृह युद्ध छिड़ गया। 1863 में लिंकन ने दक्षिण में दास्ता को समाप्त कर दिया। हालांकि गृह युद्ध गुलामी के मुद्दे पर नहीं लड़ा गया था, यह लड़ाई लड़ी गई क्योंकि दक्षिणी राज्यों ने संघ छोड़ दिया था। अमेरिकी गृह युद्ध 1861 से 1865 दुनिया के सबसे कड़वे गृह युद्धों में से एक था। लगभग 600,000 लोग मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। युद्ध शुरू हुआ जब दक्षिणी राज्यों ने फोर्ट समतर में आग लगा दी। लिंकन ने उन पर युद्ध की घोषणा की। गेट्सबर्ग की लड़ाई लड़ाई का सबसे कड़वा था। लगभग 50,000 सैनिक मारे गए। गेटीबर्ग में राष्ट्रीय कब्रिस्तान में दिए गए प्रसिद्ध पते 1863 में लिंकन ने स्वतंत्रता के लिए समर्पित एक राष्ट्र के अस्तित्व के बारे में बात की। उन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के संस्थापकों द्वारा पोषित स्वतंत्रता और समानता के सिद्धांतों के आधार पर दास्ता के उन्मूलन को उचित ठहराया। 4 अंक और 7 साल पहले उन्होंने कहा, हमारे पिता ने इस महाद्वीप को एक नए राष्ट्र के रूप में सामने लाया, स्वतंत्रता में कल्पना की और इस प्रस्ताव को समर्पित किया कि सभी पुरुषों को समान बनाया जाता है। लिंकन ने लोगों द्वारा और लोगों के लिए लोगों की एक सरकार के सिद्धांत को भी बरकरार रखा। यह भाषण इतिहास में गेटीबर्ग भाषण के रूप में प्रसिद्ध हो गया है। यह कहा जाता है कि यह पता जब तक जिस भाषा में लिखा गया था तब तक जीवित रहेगा। अधिकांश युद्ध दक्षिणी राज्यों में लड़े गए थे। 4 वर्षों तक लंबे युद्ध के बाद दक्षिणी सेना पूरी तरह से हार गई। जनरल ली के तहत संघी सेना ने अप्रैल 1865 में संघ के जनरल ग्रांट के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। गृह युद्ध समाप्त हो गया। अमेरिका की एकता बहाल हुई। गुलामी को समाप्त कर दिया गया। शांति के कुछ दिनों बाद अब्राहम लिंकन की हत्या दक्षिणी राज्यों के सहानुभूति वाले जॉन विल्क्स बूथ द्वारा की गई थी। अगर अमेरिका ने जॉर्ज वॉशिंगटन पर अपनी स्वतंत्रता का अधिकार दिया है तो वह अब्राहम लिंकन के प्रति अपनी एकता का श्रेय देता है। दास्ता को समाप्त करके लिंकन ने प्रत्येक व्यक्ति के स्वतंत्र होने के निहित अधिकार को मान्यता दी। उनकी राजनीतिक अवधारणाओं ने भविष्य के राजनीतिक सिद्धांतों को प्रभावित किया। लोगों की सरकार, लोगों द्वारा और लोगों के लिए उनका विचार आधुनिक लोकतंत्र का मूलमंत्र बन गया है। अमेरिकी गृह युद्ध के परिणाम। अमेरिकी गृह युद्ध ने महत्वपूर्ण परिणाम उत्पन्न किए। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण युद्ध सभी समय के लिए तय हुआ कि क्या राज्य संघ से हट सकते हैं। राज्य संप्रभुता के सिद्धांत को आराम करने के लिए रखा गया था। राष्ट्र की सर्वोच्चता का हनन किया गया। संघ को सदा के लिए घोषित कर दिया गया। दूसरे गृह युद्ध ने उत्तर दक्षिण तनाव को स्थायी रूप से हल करके संयुक्त राज्य की नींव मजबूत की। तीसरे अमेरिका में हर जगह दास्ता को समाप्त कर दिया गया। संघीय सरकार ने कुछ उपाय किए जिन्होंने अफ्रीकी अमेरिकियों के खिलाफ विवेकाधीन कानूनों को लागू करने पर रोक लगा दी। अंत में दक्षिणी राज्य खंडहर में पड़े और वहां औद्योगिक विकास की आयु शुरू हुई। बागान बुरी तरह प्रभावित हुए थे और नए व्यवसाय उभरे थे। परिणाम स्वरूप अमेरिकी इतिहास में अगले 10 वर्षों को पुनर्निर्माण की अवधि कहा जा सकता है।